इटावा गुजरात में कई चुनाव लड़ चुके हैं। जगदीप मर्चेंट उर्फ जगदीश वारसी ने कहा कि वे देश के 11 करोड़ गरीबों को पेंशन व रोजगार के लिए फंड दिलाने के उद्देश्य से संघर्ष कर रहे हैं। जगदीप मर्चेंट उर्फ जगदीश वारसी ने शाहगंज में मुश्ताक मुल्ला जी के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश के 11 करोड़ गरीबों को 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन और 6,000 रुपये प्रतिमाह फंड मिले ताकि वे कोई कारोबार करके अपनी गरीबी को दूर कर सके। उन्होंने कहा, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्ताव भेजकर मांग की थी कि वे देश के 11 करोड़ गरीबों को 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में दें, लेकिन मोदी ने यह प्रस्ताव पूरा नहीं किया, सिर्फ आयुष्मान भारत के कार्ड बनवा दिए। मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वे 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हमने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा। विपक्ष को 2024 के लिए मोदी के खिलाफ अगर पीएम का चेहरा नहीं मिल रहा है। सर, मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ कि जो मैंने 11 करोड़ परिवार को 6 लाख फंड और 5,000 पेंशन देने की बात कही है, ये इससे क्या एडवांटेज है? आज जो विपक्ष कहते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है और महंगाई है, तो ये दोनों चीज़ ये मेरे प्रोजेक्ट से ख़त्म हो सकती है। कैसे? भारत का संस्कार ऐसा है कि एक परिवार कम से कम 20 परिवार से जुड़ा हुआ होता है, तो 20 परिवार का जॉइंट नंबर लेवे से 1 करोड़ 20 लाख का फंड मिला उनको, गारंटी फंड। 1 करोड़ 20 लाख में वो 20 लोग मिलके एक फैक्ट्री लगा सकते हैं और 20 परिवार में कम से कम 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ तुम्हारे पास गारंटी है, वत्ता तुम प्रोजेक्ट लगाओ उसका भी बैंक के पास, बैंक उसको गारंटी में ले लेगी और ये काम जो है वो हो जाएगा, है कि नहीं? और 5,000 तो उनको हर महीने मिलने वाले, तो वो कोई भी नया काम कर सकते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।